जयपुर से जानकारी है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से खबर है, 3 एपीओ चल रहे अधिकारियों को पोस्टिंग मिल गई है। 6 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। उपायुक्त एवं शासन उप सचिव द्वितीय धनश्याम शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। तो 3 एपीओ चल रहे अधिकारियों को पोस्टिंग मिल चुकी है, जिसके आदेश भी जारी किए हैं। 6 ऑफिसर्स के तबादले कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी। और एक और खबर है, यूआर साहू बने हैं डीजीपी। यूआर साहू की 2 वर्ष के लिए नियुक्ति हो गई है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। वरिष्ठता, अनुभव और बेताग छवि पर सरकार ने भरोसा जताया है। 1988 बैच के आईपीएस यूआर साहू बने हैं 2 साल तक के डीजीपी। तो देखिए, 29 दिसंबर 2023 को डीजीपी उमेश मिश्रा ने वीआरएस लिया था। यूआर साहू बने थे कार्यवाहक डीजीपी। सरकार ने पहले ही तय कर लिया था पुलिस मुखिया के रूप में साहू को। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को दिल्ली में यूपीएससी जाकर डीजीपी नाम पर बैठक भी की थी। यूपीएससी ने आखिरकार नाम भेजा और कार्मिक विभाग ने आज आदेश निकाले। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने का डीजीपी पर भार है। अब उत्कल रंजन साहू कौन है, थोड़ा ये भी जान लेते हैं। 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं उत्कल रंजन साहू, यानी कि यूआर साहू। मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं यूआर साहू। जून 2020 में डीजी रैंक पर पदोन्नत किया गया था। 3.5 साल तक डीजी यानी कि महानिदेशक होमगार्ड के पद पर भी तैनात रहे, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी उनको अब दे दी गई है। यूआर साहू राजस्थान के डीजीपी बन गए। 2 साल के लिए उनकी नियुक्ति कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया।